अगर खाना बनता है तो फिर सोचते कि कल क्या होगा क्या होगा। एक दिन खाते हैं तो एक दिन के लिए आप लोग को सोचना पड़ता है कि कल के लिए क्या होगा। हाँ दोस्तों, हमारे साथ वही सबन परवीर है जो कुछ दिन पहले शादी करके सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हो रही थी और काफी चर्चा के विषय भी बनी हुई थी। लेकिन अभी देख सकते हैं फिर से आज इनके पास आए हैं। क्या मजबूरी आई कि आज फिर से दोबारा इनको हम लोग को बुलाना पड़ा और इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या इनकी मजबूरियाँ आ गई है। हमने बहुत सारा कोशिश किया और इनको एक अच्छा कोचिंग संस्थान में इनका एडमिशन भी करवाया, क्योंकि ये इंटरव्यू वीडियो में बोल रही थी कि हमें SDM की तैयारी करना है, तो इनके पास उतना सुविधा नहीं था। लेकिन हम बहुत प्रयास किए और अपने भाटपार के एक नज़दीकी जो ICC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में इनका हम एडमिशन करवाए। उसके बाद फिर से इनका एक समस्या हुआ है, जीवन यापन करने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। फिर इन्होंने हम लोग का एक बार याद किया और फिर इनके पास आए हैं। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि अब इन लोग के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग बताए थे पहले कि 2 फीट के हैं और ये इनके साथ इनके पति हैं जो 5 फीट के हैं। दोनों लोग ने शादी रचाई थी और पिछली वीडियो में बहुत सारे शादी के बारे में इनसे बात किए थे, लेकिन उनमें सवाल भी किए थे कि जीवन यापन में बहुत सारी समस्या होगी क्योंकि ये 2 फीट के हैं और ये 5 फीट के हैं। इनको छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते, इसको लेकर पैसों को लेकर जीवन यापन करने में बहुत सारी समस्या होगी। लगता है फिर से वही समस्या इन लोग को हो रही है। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। चाह कैसी हैं आप? जी ठीक है। क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? अब परेशानियाँ तो थी नहीं, नॉर्मली थे। घर से भी सपोर्ट मिल रहा था और पढ़ाई लिखाई भी सही ढंग से चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है जब कोई मुसीबत घर में आ जाता है तो फिर रास्ता बंद हो जाता है आने जाने का। और यहाँ तक कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे टोटो वाला हो गया, जैसे रूम रेंट हो गया, तो ये सब पैसा हमको कभी कोई हेल्प के तौर पे नहीं छोड़ा कि हाँ आप रहो, आप पढ़ो लिखो, बाद में दे देना। तो इस तरीके का नहीं, एक दिन भी लेट नहीं होता है, भाड़ा के लिए खड़ा हो जाता है आदमी। हाँ, और टोटो जैसे भाड़ा हो गया उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब अब आदमी सामने वाला नहीं बोल रहा, लेकिन सामने वाला ये तो बोला कि लेंगे, तो आदमी को मन में लगने लगता है कि देना देना उसको, तो इसके लेके। उसके बाद फिर हमको इतना परेशानी हो गया है कि ना तो हम रूम रेंट दे पा रहे, ना हम कॉपी किताब खरीद पा रहे। मेरे पास पेन तक नहीं, पेन जो होता है लिखने के लिए वो सब भी मेरा ख़त्म हो गया है। बाकी जितना मेरा किताब सब है, कुछ कुछ किताबें सब आएंगी पढ़ने के लिए, जो मेरा जो SDM का जो तैयारी होगा, तो आप लोग सभी जानते हैं कि SDM के पढ़ाई में बहुत सारा खर्चे होते हैं। खर्च के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग हम खान सर का लेना चाहते हैं, जो कि 30 अगस्त की कितना अगस्त तक ही मात्र का डेट बचा हुआ, आप देख लीजिएगा उसमें ऐप में। तो हम चाहते हैं कि वो ऐप का हम सुविधा उठा के पढ़ाई करें ताकि हमको आराम से पढ़ने में दिक्कत ना हो उसके। तो यही सब प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम। क्या बता रही थी कि आप भोजन करने में, हमारे घर में कुछ राशन नहीं है, भोजन हम लोग बिना खाए रह रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। इतना है कि अभी अगर खाना बनता है तो फिर सोचते कि कल क्या होगा क्या होगा। एक दिन खाते हैं तो एक दिन के लिए आप लोग को सोचना पड़ता है कि कल के लिए क्या होगा। हाँ, तो आपने बहुत सारा बता रहे थे कि आपके पिताजी होते हैं, आप लोग का खर्चा देते हैं, लेकिन क्या हुआ, अब आपके पिताजी खर्चा नहीं देते आपको? नहीं, मेरे पिताजी के साथ आपको दिखाए ना फोटो में, लेकिन यहाँ पिछले ने दिखाते देखा हाँ। जाता है कि आपका वीडियो फोटो काफी वायरल होता है, कभी DM SDM जी से आप मिले थे और आपने बारे में कुछ बताई थी। हाँ, जब हम वहाँ गए, दो बार गए, अपने पापा को भी लेके गए, जब मेरे पापा आए थे तो भी हम गए थे SDM सर के पास। तो जाने के बाद उन्होंने बोला कि आपको बहुत जल्दी पट्टा वट्टा मिल जाएगा और आपको जो तो इंदिरा आवास के लिए अप्लाई वो घर बनाने के लिए करवा दिया जाएगा, आपको घर बना के मिल जाएगा, फिर आपको टेंशन फ्री हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम फिर दोबारा गए पापा के साथ, एक बार तो गए इनके साथ, फिर दोबारा पापा के साथ गए। जब दोबारा पापा के साथ जाते हैं तो भी यही बात उन लोग को दिलासा दे के बोला जाता है कि हाँ आपका हो जाएगा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मेरा रूम ऊपर रहता है, हम नीचे, मतलब बाथरूम वाथरूम सारा कुछ नीचे, आपको डेली ऊपर नीचे करना ठीक नहीं है, कहीं पैर स्लिप कर जाए आदमी का, कुछ हो ही जाए तो, अगर इनको कुछ होगा तो ये ठीक भी हो जाता है, मेरे साथ कुछ होगा तो हम मर ही जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, चोट लगे तो खत्म ही हो जाएगा। तो यही सब प्रॉब्लम है। आपको सरकार की तरफ से आपको कोई भी सुविधा नहीं दी जाए, खाली बस दौड़ाता है कि हाँ होगा होगा, कोई भी सब बोलेगा, वीडियो भी बना लेगा तो बोलेगा कि हाँ आपके लिए हेल्प के लिए वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे करेंगे, तो हेल्प का वीडियो ही नहीं डालेगा, उल्टा सीधा वीडियो बना के थंबनेल उबनेल लगा के हम लोग का प्यार मोहब्बत वाला वीडियो चलाने के लिए कुछ भी करता है। देखिए, जो सरकार दावा करती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारा फिर से दिव्यांगों के लिए जो योजना आती है उसमें जो पैसे आता है, लेकिन आपको कोई भी सुविधा उससे नहीं मिलता है। अगर चाहते, अगर SDM सर चाहते तो हमें
कुछ दिन के लिए हेल्प तो पैसा तो कर सकते थे। जब पहले पट्टा जब होता तो आपका ठीक है प्रोसेस में लगा पता, हम भी मानते हैं सरकारी काम में लेट होता है, चलिए सब चीज़ होता है, लेकिन अगर आप हमको महीना का 5,000 रुपये अगर भेजते कि हाँ खाने पीने का मेरा हो जाता तो हमारा आप तो चुपचाप पड़े रहते, बस यही बात। देखिए जो अच्छे से चल भी नहीं सकती है ना ही कहीं जा सकती है, फिर भी जितना हो सकता है वो जाती हैं और दौड़ती हैं धूपती हैं क्योंकि हमें कुछ मिल जाए सरकार के तरफ से, जो भी योजनाएं आती हैं उनका लाभ हमें उठा पाएँ, लेकिन फिर भी ये लाभ नहीं उठा पाती हैं। और आज इनका ऐसा स्थिति हो गया है कि इनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ बनाने के लिए नहीं है। एक दिन खाती हैं तो एक टाइम के लिए इनको सोचना पड़ता है कि इस टाइम ये खा रहे हैं तो अगला टाइम हम क्या खाएँगे,